दोस्तों, टाटा नैनो के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में बताने वाला हूँ। ये गाड़ी इतनी ज़्यादा सस्ती होगी, इसे गरीब से गरीब आदमी बड़ी आसानी से खरीद सकेगा। दोस्तों, ऐसी गाड़ी अब तक भारत के अंदर पहले कभी भी लॉन्च नहीं हुई थी। इस गाड़ी को स्पेशली गरीब लोगों के लिए ही बनाया गया है। ऐसे में अगर आपका परिवार भी 3 से 4 लोगों का है तो आपको भी इस गाड़ी के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी ही गाड़ियों की वीडियो देखना पसंद है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं लगातार ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। और आप इस वीडियो को अभी कहाँ से देख रहे हो, मुझे कमेंट के अंदर अपने शहर का नाम भी ज़रूर बताना। दोस्तों, अपनी स्क्रीन के ऊपर आप अभी जिस गाड़ी को देख रहे हो, इस गाड़ी का पूरा नाम है बो ईवी। ये गाड़ी पूरे तरीके से एक इलेक्ट्रिक गाड़ी होने वाली है। इलेक्ट्रिक गाड़ी से मेरा मतलब है दोस्तों, इसे चलाने के लिए आपको डीजल और पेट्रोल का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। वैसे तो दोस्तों, आपको भारत के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ देखने को मिल ही जाएगी, लेकिन ये गाड़ी इसलिए खास होने वाली है क्योंकि इसे आप 5 लाख रुपए से कम कीमत में खरीद सकोगे। अगर मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊँ तो आप इसे एक मोटरसाइकिल की कीमत में ही अपने घर पर लेकर आ सकोगे, क्योंकि दोस्तों इस गाड़ी को स्पेशली गरीब लोगों के लिए ही बनाया गया है। ये बात तो आपको भी पता ही होगी, भारत के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ देखने को मिलती है वे सभी आमतौर पर 5 लाख रुपये से ऊपर के बजट में ही देखने को मिल जाती है। ऐसे में गरीब आदमी का गाड़ी खरीदने का सपना सपना ही रह जाता है। हालांकि रतन टाटा जी ने टाटा नैनो नाम की गाड़ी भारत के अंदर लॉन्च करी थी। टाटा नैनो आपको 5 लाख रुपये से कम बजट में ही देखने को मिल जाती थी, लेकिन 2018-19 में उसे अपने कुछ निजी कारणों के चलते डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। टाटा नैनो आपको भारतीय सड़कों के ऊपर चलती हुई तो नज़र आ जाएगी, लेकिन आप नई टाटा नैनो अब कहीं से भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो गाड़ी आनी अब बंद हो चुकी है। हालांकि समय समय पर ऐसी भी खबरें आती रहती है कि टाटा नैनो को दोबारा से लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इस बारे में अभी तक भी कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि टाटा नैनो हकीकत में लॉन्च होगी या ये सब बहकावे हैं। लेकिन टाटा नैनो भारत के अंदर दोबारा से आए या ना आए, लेकिन एक कंपनी अपनी छोटी सी गाड़ी को भारत के अंदर लॉन्च करने की पूरी तैयारियां कर चुकी है। ये गाड़ी जल्द ही आपको भारतीय मार्केट में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, ये गाड़ी आपको भारत के अंदर 2 वर्जन के साथ देखने को मिलेगी। पहला, आप इसका 2 सीटर वर्जन खरीद सकोगे और दूसरा, आप इसका 4 सीटर वर्जन खरीद सकोगे। मतलब अब अगर आप 2 से 3 लोगों के लिए गाड़ी लेना चाहते हो तो आपको 2 सीटर वर्जन खरीद लेना चाहिए, लेकिन अगर आपका परिवार बड़ा है और आपको 5 सीटर गाड़ी चाहिए तो फिर आपको 4 सीटर वर्जन के ऊपर ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये गाड़ी वैसे तो आपको दिखने में बहुत ही नॉर्मल सी लग रही होगी, लेकिन हकीकत में इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत ही अच्छे खासे फीचर देखने को मिल जाएंगे। अगर इस गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको LED हेडलाइट देखने को मिलेगी, उसी के साथ में आपको इंटीग्रेटेड DRL भी देखने को मिलने वाली है। साथ ही में दोस्तों, आपको 14 इंचिस के अलॉय व्हील भी देखने को मिल जाएंगे। ऑटो फोल्डेवर मिरर के साथ साथ आपको इसमें LED टेल लाइट भी देखने को मिलेगी। साथ ही में आपको रियर वाइपर के साथ साथ रियर कैमरा भी देखने को मिलेगा। सेफ्टी के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको 4 एयरबैग के साथ साथ सेफ्टी के इम्पोर्टेंट फीचर भी देखने को मिल ही जाएंगे। साथ ही में आपको पीछे की तरफ रियर पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिलेंगे। वैसे दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर आपको वे सभी फीचर देखने को मिलेंगे जो टाटा नैनो के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते थे। अगर गाड़ी के इंटीरियर में चलकर बात करें तो अंदर की तरफ आपको 8 इंचिस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिलेगी, उसी के साथ में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको स्टेयरिंग व्हील के ऊपर भी कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। इंडियन वेदर कंडीशन को देखते हुए कंपनी ने गर्मी और सर्दी से बचने के लिए गाड़ी के अंदर AC एंड हीटर भी प्रोवाइड करा रखा है। वैसे दोस्तों, जब आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया तो आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना, क्या ये गाड़ी भारत के अंदर सफल हो पाएगी या नहीं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी एक बार शेयर कर देना, ताकि वे लोग भी इस गाड़ी के बारे में जान सके। दोस्तों, अगर इस गाड़ी की टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो ये गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने में सक्षम होगी। अगर आप एक बार इस गाड़ी को चार्ज करते हो तो आप इसे 180 किलोमीटर तक बड़ी आसानी से लेकर आ जा सकोगे।
इस गाड़ी को चार्ज करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए आपको केवल 2 घंटे तक का ही समय लगेगा। अगर इसकी लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो इस गाड़ी को भारत के अंदर 2025 के शुरुआती महीनों में ही लॉन्च किया जाएगा। अगर इसकी कीमत के बारे में बात करें तो आप इसे केवल 2 लाख रुपए में खरीद सकोगे। आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताकर जाना ये गाड़ी आपको कैसी लगी और क्या आप इसे खरीदना पसंद करोगे या नहीं। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।